ठीक है पीएच की फुल फॉर्म बता सकते हो आप मुझे मैम आई डोंट रिमेंबर ओके इमोशनल डैमेज चलो कोई बात नहीं uh, कोई इंडिकेटर जो आपको याद हो लिटमस ओके okay. तो एसिड में कैसा कलर चेंज लिटमस दिखाता है रेड uh, से ब्लू हो जाता है और uh, एक जनरल क्वेश्चंस अगर मैं सिलेबस से पूछूं आप आंसर कर सकते हो यस yes, यस मतलब पढ़ रखा है ठीक yes, है चलो तो अगर सोडियम सल्फेट मैंने लिया है और उसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ बेरियम क्लोराइड के साथ hmm. तो क्या रिएक्शन होगी आई गेस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाइवा तो बहुत अच्छा जा रहा था बट बच्चे ने ना एक मिस्टेक कर दी उसने कह दिया आई गेस आपको इस टाइप के स्टेटमेंट्स का ना कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है वेन यू आर श्योर अबाउट द आंसर हाँ जब आप अनश्योर हो तब ज़रूर बोल सकते हो मैम आई थिंक सो और अगर मैम बोलेगी कि आई थिंक सो या फिर यही है तो आप कह दो मैम आई कांट रिमेंबर क्लियरली ठीक है अगर आप अनश्योर हो बट जब भी आप श्योर हो तो कभी भी आई गेस आई थिंक सो इस टाइप के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है और प्रेसिपिटेट बनेगा इस रिएक्शन में किसका बनेगा कुछ ध्यान एम नो आईडिया ठीक है कलर बता सकते हो प्रेसिपिटेट का कलर याद है वो अगर नो मैम आई डोंट रिमेंबर तो आपने सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा है यस yes, मैम ठीक है पीओपी नाम सुना है आपने सुना यस मैम ओह माय गॉड तो फुल फॉर्म बता सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस

यस मैम ये हम घर वगैरह में यूज़ करते हैं पीओपी hmm. ऊपर अपने वॉल्स के लिए ठीक है और डॉक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ऐसा सुनो या वो पट्टी वगैरह के लिए जो प्लास्टर hmm. उसके लिए वेरी गुड वेरी गुड और इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते हैं लाइक नॉमिन वगैरह करना कार्बर कंपाउंड से

वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ ठीक है तो हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होती है यस मैम ठीक है वेरी गुड और इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन का डिटेक्शन टेस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा hmm. कार्बन डाइऑक्साइड आपने नाम सुना होगा तो इसका डिटेक्शन टेस्ट आपको याद है नो मैम ओके चलो कोई बात नहीं तो कॉपर रिएक्ट करता है फिर सल्फेट के साथ यस yes, नहीं मैम जब भी टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर या तो यस yes या फिर नो no होना चाहिए तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना है और उससे पहले आपको सोचना है सो ऑलवेज थिंक एंड देन आंसर ऐसा ना हो कि आपने पहले यस yes आंसर कर दिया उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैम इसका आंसर तो नो no है आपको ऐसा नहीं करना है यू हैव टू थिंक प्रॉपरली एंड देन आंसर स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपको आंसर आता है तो कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट भी करना है टीचर के सामने ये इमेज नहीं बनानी है. है कि हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं यस या नहीं नहीं ठीक है नहीं करता है क्यों नहीं करता है क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है ठीक है और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी कुछ फ्लेम आती है जब उन्हें बर्न करते हैं तो कलर क्या होता है फ्लेम का ब्लू ब्लू ओके वेरी गुड ओके देन ऑल द वेरी बेस्ट ठीक है थैंक यू थैंक यू मैम